दो दिन की छुट्टी में तुमने क्या क्या किया? पूछे मत, बड़ा मजा आया, बड़ा मजा आया। अपना मन चाहा खाया, घुमा फिरा, जम के सोया, बहुत आनंद किया सर। तुम वहाँ पर मजे कर रहे थे और हम यहाँ पर काम में लगे पड़े। तुम्हें पता है ऑफिस में फाइलों का माउंट एवरेस्ट बन चुका है। हाँ तो ठीक है ना सर, मैं माउंट एवरेस्ट चढ़ जाऊंगा, सारी फाइलें निपटा दूंगा, ओवर टाइम करूंगा, काम खत्म कर दूंगा सर। अच्छा, ओ माउंटेनियर, ओ हेलो, कल सुबह टाइम पे आ जाना। ओके, सी यू सर। ओ हे गिरिधर, जब गोकुल पर आफत आई, आंधी तूफान बरसात से लोग परेशान हुए, तब आपने गिरि पर्वत को अपनी उंगली पर उठाकर उनकी रक्षा की। आज मनुष्य जाति पर कुछ उसी तरह की आपदा आ गई है। चारों ओर महामारी फैली है, लोग परेशान हैं। तभी हमारे सभी डॉक्टर, नर्स, साइंटिस्ट, जो कि आपके ही रूप हैं, वो भी आपकी तरह इस मुश्किल घड़ी के गिरि पर्वत को अपनी उंगली पर उठाए खड़े हैं। बस आपसे एक ही प्रार्थना है प्रभु, हमारे कोरोना योद्धाओं को सलामत रखना, उनकी हिम्मत बढ़ाए रखना, सबको स्वस्थ रखना और सबको हंसाए रखना। जय गिरिधर। ओहो, आज तो बहुत सारा काम है, ऐसा लग रहा है कि काम खत्म होते होते कल की सवेरे हो जाएगी। पोपट भाई के यहाँ सामान पहुँचाना है, माधवी भाभी के यहाँ पहुँचाना है, अंजलि भाभी के यहाँ पहुँचाना है, एक और मैसेज। बच गया। अरे क्या बच गया, टकरा तो गया? नहीं चाचा जी, मोबाइल बच गया। चाचा जी, आपको लगी तो नहीं ना? नहीं, मुझे नहीं लगी। अरे इन हड्डियों में अभी भी ताकत है, असली घी जो खाया है। लेकिन तू क्या कर रहा है भाई, तेरा ध्यान कहाँ था? मोबाइल में। जब से ये मोबाइल आया है ना, सब लोग चलते चलते भी मोबाइल में ही देख के चलते। जिसे देखो उसकी मुंडी बस ऐसे नीचे। तू देखना, एक दिन ऐसा आएगा कि मुंडी ऐसे ऊपर करने के लिए भी डॉक्टर बुलाना पड़ेगा। सॉरी चाचा जी, बहुत सारे मैसेज आए थे ना, वो पढ़ रहा था। क्यों? आज तेरा जन्मदिन है? अरे वाह अब्दुल, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। नहीं 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 चाचा जी, वो कस्टमर का मैसेज आया था ना, वो पढ़ रहा था। वो क्या है ना चाचा जी, रंगतरंग घूमने के लिए गए थे ना, तो बहुत सारा काम रह गया था, वो ही देख रहा था। हाँ नहीं नहीं बराबर, काम पहले, काम से ही नाम है। चाचा जी आपको कुछ चाहिए? अरे नहीं नहीं, अभी कुछ नहीं चाहिए। चाचा जी अगर कुछ चाहिए तो फोन करके बोल देना, पहुँचा दूंगा। हाँ ठीक है ठीक है, लेकिन अब्दुल मेरी एक बात हमेशा याद रखना, चलते वक्त सामने देख के चलना चाहिए, ऐसे मोबाइल में देख के नहीं चलना चाहिए, समझा? ठीक है ठीक है, चलिए मुझे, मैं तो सबके घर पे ही जाना है। गुड मॉर्निंग मेहता साहब। अरे गुड मॉर्निंग अब्दुल, माफ करना यार, थोड़ा टांग फैला के बैठा हूँ। क्या बात है, क्या लाए हो मेरे लिए? कुछ नमकीन वमकीन, करारे बिस्कुट है? मेहता साहब, जो मजा बिस्किट और नमकीन खाने में आएगा ना, उससे कई ज्यादा मजा ये चीज देखने में आएगा। अच्छा, ऐसा क्या लाए हो? झटका। क्या बातें कर रहा है तू आज भाई, झटका मतलब क्या झटका? अंजलि भाभी ने जो भी सामान मंगाया ना, उसका नाम सुनकर आपको झटका लगेगा। ऐसा क्या मंगाया अंजलि ने? अरे अब्दुल भाई आप आ गए। हाँ? और आप अब तक ऑफिस के लिए रेडी नहीं हुए? ऑफिस नहीं जाना? अरे हो जाएंगे। अरे मेहता साहब तो ऐसे लेटे जैसे रंग तिरंग के स्विमिंग पूल पे आराम से लेटे है, छुट्टी के मूड में है। हाँ? बिल्कुल सही कहा तूने अब्दुल, अभी तक छुट्टी का मूड ही चल रहा है भाई, ऑफिस जाने का मन ही नहीं कर रहा। और वैसे भी अभी तो 8 बजे भाई, बहुत टाइम है, 10 बजे जाना है। अरे मेहता साहब 9 बज गए। अरे क्या बात कर रहा है अब्दुल, देखना 8 बज रहे, वो देख घड़ी सामने। तारक सॉरी, मैं आपको बताना भूल गई, घड़ी की बैटरी खराब हो गई है, अभी 9 ही बजे है। क्या 9 बजे? अब्दुल भाई आपको मैंने बैटरी कहा था लाने के लिए, आप लाए हो ना? हाँ आपने जो जो मंगाया सब लाया हूँ, ये मेथी, ये अजवाइन, ये आंवला, ये नीम का जूस और ये बैटरी। वेरी गुड, थैंक यू। अरे बाप रे, लगाना झटका। और ये बिल, चलो मैं चलता हूँ। थैंक यू अब्दुल भाई।
मैं तो गया काम से। देखिए तारक, अब ये चीटिंग है। रंग तरंग रिसोर्ट में आपने अपने मन का खाया था ना, तो अब घर पे आपको मेरे मन का ही खाना पड़ेगा। मतलब मैं जो डाइट फूड दूंगी वही फॉलो करना पड़ेगा। अरे अंजलि, डाइट फॉलो करने के लिए कौन मना कर रहा है भाई? वो तो मैं हमेशा करता हूँ, आगे भी करता रहूंगा। लेकिन अंजलि, तुम्हें मुझे बताना चाहिए था ना, घड़ी बंद है, बैटरी खराब हो गई है। सॉरी तारक, सुबह को घर पर इतने काम होते हैं, मैं भूल गई। क्या सॉरी अंजलि, बताना चाहिए था ना भाई। अब कल रात की बात है, बॉस ने मुझे फोन पे स्पेशली कहा था कि आज बिल्कुल वक्त पे आ जाना, बहुत ज्यादा काम है। और आज ही अगर लेट हो गया ना तो पूछो मत क्या हाल करेगा वो मेरे दो माथे का बॉस। अब एक मिनट तारक, आप हमेशा अपने बॉस को दो माथे वाला बॉस क्यों कहते हैं? क्योंकि उनके दो माथे हैं। अरे हाँ भाई, दिखता एक ही है लेकिन एक्चुअली दो माथे हैं। एक पल में कुछ सोचते हैं, दूसरे पल में कुछ और सोचते हैं। अभी खुश, अभी दुखी, पल में तोला, पल में माशा, दो माथे के बॉस हैं। मैते, कई बार मैं बेकार की बकवास करता हूँ ना, टाइम पे ऑफिस आ जाओ, फटाफट काम करो, ओवर टाइम करो। नहीं नहीं सर, ऐसी बात नहीं है सर। अगर ऐसी बात नहीं है तो तुम मेरी बातों को सीरियसली क्यों नहीं लेते हो? मेरा इतना कहने के बाद भी हर रोज लेट क्यों आते हो? सॉरी सॉरी सर, सॉरी सॉरी। नहीं नहीं नहीं, इसमें गलती तुम्हारी नहीं है भाई। सुबह सुबह कितना ट्रैफिक होता है, तुम ट्रैफिक में फंस गए होगे, है ना? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने सर, मैं ट्रैफिक में ही फंस गया था। अगली बार ट्रैफिक का बहाना बनाया तो नौकर से निकाल दूंगा। इस दुनिया में जो भी लेट होता है वो ट्रैफिक को ही ब्लेम करता है, बेचारा मासूम ट्रैफिक। अरे उसको तो पता भी नहीं होगा कि तुम जैसे घटिया लोग उसको इतना बदनाम करके रखते हो। सॉरी सॉरी सर, वेरी सॉरी, वेरी सॉरी। तारा किस सोच में पड़ गए? अरे मैं ये सोच रहा हूँ आज ऑफिस लेट जाऊंगा तो मुझे कितना सुनाने वाले हैं मेरे बॉस, क्या क्या नहीं कहेंगे, मेरी हालत खराब कर देंगे। नहीं, आपके पास ये भी सोचने का टाइम नहीं है, चलिए जल्दी से रेडी हो जाइए, वरना याद है आपके दो माथे वाला बॉस। हे विघ्नहर्ता, दो दिन रंग तरंग रिसोर्ट में बहुत मजे किए हमने। थैंक यू वेरी मच। अभी रूटीन शुरू, तो नए और अच्छे काम करने की हमें प्रेरणा देना और आशीर्वाद देना। गणपति बाप्पा मोरया, चहा प्याला लवकर या। ओहो क्या बात है, आला का चहा। ओ मग गरमा गरम। लेकिन आज बहुत सारे काम है, आपको याद है ना क्या क्या करना है? हाँ सो बहुत सारे काम है, अचार ऑर्डर की डिलीवरी करनी है, अचार ऑर्डर का पेमेंट कलेक्ट करना है, सोसाइटी का भी काम है और मेरे ऑनलाइन क्लासेस भी है। आता है। हाँ, बस। अरे सुनू का है? वो तो सुबह से उठ के पढ़ाई कर रही है। वाह, इसे कहते हैं मेरी बेटी, कितनी समझदार है। उसे पता है ना दो दिन का गैप हुआ है तो पूरी पढ़ाई कवर कर लेगी अभी। वेरी गुड वेरी गुड। अरे देवा, सुबह सुबह इसका फोन। किसका फोन? मेरा स्टूडेंट है चिंटू, उसका फोन है। बाप रे, एक स्टूडेंट से शिक्षक डर रहा है? अरे डर कौन रहा है माधवी, शरारत करने में ना ये चिंटू एक नंबर का चैंपियन है। वैसे तो स्मार्ट है लेकिन जब पढ़ाई की बात आती है ना तो दिमाग की बत्ती गोल हो जाती है। तुम भी सुनना इसको, देखना। हाँ हेलो, बोलो चिंटू। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। और सर, आप मजे में हो? हाँ हाँ, अब तक तो मजे में ही हूँ भाई। अच्छा सर, मुझे आपसे एक सवाल करना है। वेरी गुड, सवाल करने ही चाहिए क्योंकि सवाल करने के बाद जवाब मिलता है और जवाब मिलने के बाद ज्ञान बढ़ता है। बोलो कौन से सब्जेक्ट का सवाल है? सर पहले आप ये बताइए कि आप मेरे सवाल का सही सही जवाब देंगे ना? बेटा मैं शिक्षक हूँ, मुझे हर सवाल का जवाब आता है, तुम सवाल पूछो। अच्छा सर ये बताइए, अगर सर आपकी क्लास में कोई दो दिन एब्सेंट रहे, पढ़ाई छोड़ दे, बाहर घूमने जाए, तो आप उसके साथ क्या करेंगे? मैं स्ट्रिक्ट एक्शन लूंगा, उसे पनिशमेंट दूंगा, मुर्गा बनने की सजा दूंगा उसे। ओह नो। और उसे ऊपर से बोलूंगा कि फिर कभी मैं ऐसा नहीं करूंगा, ऐसा 100 बार लिख के लाओ। तो आप फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा 100 बार लिखिए और मुर्गा भी बनिए। अगवी एक क्या बोल रहे हो चिंटू, मुझे मुर्गा बनने के लिए बोल रहे हो तुम? सर अभी आप अचानक दो दिन की छुट्टी के लिए चले गए, पढ़ाई छोड़ दी और फिर पता चलता है कि आप रिसोर्ट में मजे करने गए, ये ठीक है क्या? ए, लेकिन सर हम बच्चे जरा सी गलती कर देते हैं तो आप हमें कितना डांटते हैं, पेरेंट्स की मीटिंग बुलाते हैं और हमारी परेड लेते हैं, तो क्या आपको नहीं लगता आपको आपके खिलाफ एक्शन लेनी चाहिए? नहीं। ऐसे कैसे सर? क्योंकि मैं तुम लोगों को बता के गया था कि मैं दो दिन नहीं रहूंगा, मुझे काम है। पर सर आप
काम करने कहाँ गए थे? आप तो छुट्टी मनाने गए थे। ये मेरा पर्सनल मामला है कि मैं क्या करने गया था चिंटू, और मैं बोल के गया था कि तुम लोगों को दो दिन क्या करना है। कर ला ना, अभी मैं एक सवाल पूछूं? नहीं नहीं सर, अभी कोई सवाल नहीं पूछना है, बाय। ए ए चिंटू, बाय का है बाय, अभी मैं सवाल पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। मैंने जो बोला था होमवर्क करने के लिए वो किया? हाँ। हैं? ना। अरे मतलब सर अभी किया नहीं है, कर लूंगा। खुद ने तो होमवर्क किया नहीं है, उल्टा मुझे सवाल कर रहे हो। हाँ मैं सब जानता हूँ तुम लोगों की शरारत, कर लो ना। मैं तुम्हारा सर और तुम मेरे स्टूडेंट हो, आगाओ पढ़ना है कराएचा। आज से तुम्हारी मस्ती शरारत सब बंद और एक्स्ट्रा क्लास शुरू। क्यों? अरे क्यों क्या, दो दिन में नहीं था तो सिलेबस कवर करूंगा मैं। ये तो गलत बात है सर, घूमने आप जाओ और आकर सजा हमको मिले। सजा? ये तुम्हें सजा लग रही है चिंटू? अरे तुम्हारे भविष्य की तैयारी कर रहे हैं हम लोग, तुम आज मेहनत करोगे तो तुम्हें भविष्य में काम आएगी, इसलिए भी चुपचाप एक्स्ट्रा क्लास अटेंड करना, कर ल। ओके सर। हाँ। और हाँ, पापा ने कहा है कि वो फीस आज भेज देंगे। नहीं नहीं उसकी चिंता मत करो, पापा को बोल देना आराम से देंगे तो भी चलेगा। ठीक है तो मैं पापा को मना कर देता हूँ कि वो फीस ना भेजे। अरे नहीं नहीं मतलब अगर वो दे रहे तो बोलो उनको दे दे, मना मत करना। ओके सर, मैं पापा को बोल दूंगा। हाँ बाय। सुना ना माधवी, एक से बढ़कर एक स्टूडेंट है मेरे, दो दिन मैं क्या बाहर चला गया, मेरी क्लास लेने लग गए। कोई तो है शिक्षक की क्लास ले रहा है। अभी मस्त भी चाय पीता हूँ और फिर काम शुरू करता हूँ। नहीं 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 अजूबत। क्या ये चाय ठंडी हो गई है, मैं गर्म करके लाती हूँ। हाँ वो और साथ में नाश्ता भी लेके आती हूँ। हाँ बोल बागा। हाँ सेठ जी, आप जाग गए हैं कि अभी भी सो रहे हैं? नहीं भाई, मैं तो सो रहा हूँ और मस्त तेरा ही सपना देख रहा था भाई। अच्छा मेरा क्या सपना देख रहे थे? कि मैं दुकान में काम कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ और तू बागीचे में बाबूरी जी के साथ लटोड़ा पटोड़ा होके टहल रहा है। अच्छा इसीलिए बाबूरी जी आज मेरे सपने में नहीं आई। ए जोक्सर, नहीं मैं सो रहा हूँ, नहीं मैंने ऐसा कोई सपना देखा है, मैं तो तैयार होकर दुकान आने के लिए निकल रहा हूँ। चल बोल फोन क्यों किया? मैंने आपको ये याद दिलाने के लिए फोन किया है सेठ जी कि आप दुकान आज टाइम पे आ जाना, आज वो मीरामार रिसोर्ट की डिलीवरी भी तो करनी है। हाँ हाँ याद है मुझे भाई, तू पहुँच गया? मैंने आपको ये बताने के लिए भी फोन किया है सेठ जी, आज दुकान आते आते मुझे थोड़ा लेट हो जाएगा। क्यों? वो क्या है, मुझे अर्जेंट बावरी जी से मिलने जाना पड़ेगा। क्यों क्या हुआ बावरी को? नहीं नहीं हुआ कुछ नहीं है, लेकिन क्या है इतने दिनों से मैं बावरी जी से मिला नहीं हूँ, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझसे बहुत नाराज है। मैं कब से उनको फोन कर रहा हूँ लेकिन वो मेरा फोन उठा ही नहीं रहे हैं। आता दुकान के बाद शाम को जाके मिल लेना भाई, अभी सुबह सुबह क्या है। मैंने पहले यही सोचा कि दुकान बढ़ाने के बाद मैं बावरी जी से मिल लूंगा। हाँ लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि पूरा दिन मेरे दिमाग में बावरी जी का ख्याल चलता ही रहेगा तो मेरा काम में मन नहीं लगेगा और मुझसे गड़बड़ पे गड़बड़ होती ही रहेगी सेठ जी, इसीलिए मैंने सोचा कि अभी दुकान आने से पहले एक 5 मिनट बावरी जी से मिल लेता हूँ और जो भी मामला है वो सुलटा देता हूँ और बस फिर तुरंत दुकान आ जाऊंगा। ठीक है जा और जल्दी आ जाना भाई। हाँ हाँ सेठ जी, बावरी जी ने अगर मेरा फोन उठा लिया होता तो मैं उनसे मिलने भी नहीं जाता, सीधा दुकान आ जाता। हाँ ठीक है तू जा और जल्दी आ अभी, चल। हाँ हाँ आ जाऊंगा सेठ जी, और अगर जाते जाते बावरी जी ने मेरा फोन उठा लिया तो मैं फोन पे ही मामला सुलटा लूंगा, उनसे मिलने भी नहीं जाऊंगा, सीधा दुकान आ जाऊंगा। ठीक है ठीक है ठीक है सेठ जी। अच्छा सुन, वो कॉन्ट्रैक्टर को आज फोन करके बुला ले, बोल मैं मिलना चाहता हूँ। क्या चल क्या रहा है भाई, दुकान का काम खत्म ही नहीं हो रहा है। सेठ जी कॉन्ट्रैक्टर आपसे मिलने नहीं आ सकता। क्यों, उसके पैरों में मेहंदी लगी है? नहीं हाथों में मेहंदी लगी है। कॉन्ट्रैक्टर हाथों में मेहंदी लगाता है? कॉन्ट्रैक्टर के हाथों में नहीं, उसकी बहन के हाथों में मेहंदी लगी है। वो क्या है, उसकी बहन की शादी है ना, इसलिए वो गाँव गया है, इसलिए वो आपसे मिलने नहीं आ सकता। तो कब आ रहा है वापस? वो तो मैं पूछ के बताता हूँ। और मैं तो उसको ये पूछ कि दुकान रेडी करके कब दे रहा है भाई।
अब तो मुझे ऐसा लगने लगा है कि किसी ने मुझे गोडाउन में क्वारंटाइन करके रखा है। ठीक है सेठ जी, मैं सब पूछ के आपको बताता हूँ। ठीक है। अरे बहुत लेट हो गया है ऑफिस के लिए। मेरा वॉलेट कहाँ है अंजलि? मेरा वॉलेट कहाँ है? यहाँ है और आपका रुमाल। थैंक यू अंजलि, मुझे बहुत लेट हो गया, अब मैं चलता हूँ। अरे तारक सुनिए तो। अरे कुछ नहीं सुनूंगा अंजलि, मैं बहुत लेट हो गया, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। सुनिए, क्या सुनिए? आप और एक चीज भूल रहे हैं। अब क्या भूल गया हूँ? पैंट पहनना। क्या पैंट? ऐसे ही जाना ऑफिस? नहीं, क्या जल्दबाजी में इतना लेट हो गया ना, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा एक मैं काम करता हूँ, मैं पैंट पहन लेता हूँ, तुम जरा मेरा लैपटॉप रेडी कर दो ना प्लीज। ये तारक भी ना, पहले खुद लेट करते हैं फिर सारा घर सिर पे उठा लेते हैं। अंजलि अंजलि हो गया मेरा बैग तैयार? हाँ हाँ भाई, मुझे बहुत लेट हो रहा है, जल्दी लाओ। चलो चलता हूँ। ओके मैं भूल गई। अब क्या भूल गई हो? आपका टिफिन। अरे वो लेना जरूरी नहीं है अंजलि। आपके लिए जरूरी नहीं है लेकिन मेरे लिए बहुत जरूरी है। अरे दो मिनट रुकिए, स्नैच क्या मैं भी। चलो ये आपका टिफिन और ये सैलेड फटाफट खा लीजिए। भाई अंजलि मेरे पास इतना टाइम नहीं, मैं जल्दी में, मेरे को लेट हो रहा है। अरे आपने कुछ खाया नहीं है, खाली पेट एसिडिटी होती है तारक, आप खाली पेट ऑफिस नहीं जा सकते, जल्दी से खा लीजिए। अंजलि मैंने बोला ना मुझे लेट हो रहा है, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं, मैं नहीं खा सकता हूँ। अरे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, बस दो मिनट। अरे दो मिनट में इतना घास फूस एक सामान्य इंसान क्या बकरी भी नहीं खा सकती, पर मैंने इतना खा लिया ना तो मेरे सींग निकल आएंगे। अच्छा तो वो क्या है? वो सींग नहीं है दो? अंजलि आप ही ना बहुत मजाक करते हैं, आज से जंक एड डाइट शुरू हो गई है, याद है ना आपको? अरे भाई याद है, लेकिन तुम्हें ये याद नहीं कि मैं 3 बार कह चुका हूँ मैं जल्दी में हूँ, मुझे लेट हो रहा है, मैं नहीं खा सकता हूँ अभी। हाँ तो कोई बात नहीं, आज मैं आपकी एक नहीं सुनने वाली, आप बिना खाए नहीं जा सकते। लेकिन अंजलि मेरे पास टाइम नहीं है, समझने की कोशिश करो प्लीज। सिर्फ 2 मिनट लगेंगे, मैं आपको बिना खाए नहीं जाने दूंगी। अरे हो गया, चलो। वेरी गुड, मैं आपके लिए कैब बुक कर दूं? कैब बुक मत करो अंजलि, मैं बहुत जल्दी में, मुझे लेट हो रहा है, कैब में बहुत टाइम लग जाएगा भाई, पहले तो बुक करना। बुक करने में 4-5 कैब दिखाता है, अभी आ जाएगी, लेकिन जब बुक करो तो 20 मिनट में आती है, और 20 मिनट भी आती नहीं है। ड्राइवर को 4 बार फोन करो, आ जाओ, तब आधे घंटे में भाई साहब आएंगे, और कई बार खुद कैंसिल करे तो हमें चार्ज देने पड़ते हैं। नहीं भाई नहीं, अरे इतने में तो कैब आ भी जाता। जी अंजलि रिक्शा से चले जाइए। पर रिक्शा इस बरसात के सीजन में कहाँ रिक्शा मिलेगा अंजलि? तो पैदल जाएंगे। अंजलि आइडिया, सॉरी मुझे ड्रॉप कर देगा। हाँ यही सही रहेगा, मैं फोन कर देता हूँ। फोन का? अरे वो रहा फोन भाई। हेलो मेहता साहब, गुड मॉर्निंग। हाँ गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सोडी। आज सुबह सुबह बंदे को याद किया, कोई पार्टी शार्टी का प्लान है? अरे सुबह सुबह काहे की पार्टी शार्टी, बस मैंने ये पूछने के लिए फोन किया कि तुम अभी तक घर पे हो, गैरेज के लिए निकल गए हो? ओ ना जी ना, मैं तो घर पे ही हूँ, अपनी पेट की सर्विसिंग कर रहा हूँ। मतलब की लस्सी घटक रहा हूँ। अरे वाह, तो तुम अभी गैरेज के लिए निकलने वाले हो ना? हाँ। बहुत बढ़िया, तो तुम जरा मुझे ऑफिस छोड़ दोगे, हम साथ में जाएंगे? वाह जी वाह, ये तो बढ़िया है, एक से भले दो, दोनों साथ में चलेंगे। ठीक है तुम जल्दी नीचे आओ, मैं भी निकलता हूँ। ओ जी बस 2 मिनट में आया लस्सी खत्म करके। ओके ये लीजिए। अब ये क्या है? सैनिटाइजर। हाँ पेट का सैनिटाइजर, आंवला और करेले का जूस। अरे अंजलि अब ये जूस क्यों? मैंने अभी अभी तो सलाद खाया है ना, अब मेरे पास टाइम नहीं है। अरे टाइम नहीं है इसलिए तो ये लाई हूँ, इसे चबाना नहीं पड़ेगा, गड़गड़ करके निकल जाइए। अरे पीना तो बाद की बात है, लेकिन पीने के लिए इसे होटल तक ले जाने में कितना टाइम लगेगा? अरे क्या सोच रहे हैं, आपको लेट नहीं हो रहा है, ऑफिस नहीं जाना? अच्छा एक काम करता हूँ, मैं शाम को आके पी लूंगा पक्का। शाम को 2 ग्लास पियेंगे? हाँ 2 ग्लास क्यों? हाँ अभी सुबह का ग्लास और एक शाम का ग्लास, अभी मिस करेंगे तो शाम को तो पीना पड़ेगा ना। अरे अंजलि तुम कमाल करती हो, लोगों का अगर ब्लड टेस्ट किया जाए ना तो उनका ब्लड ग्रुप निकलेगा ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, वो पॉजिटिव, और तारक मेहता का किया जाए तो निकलेगा के पॉजिटिव। के मतलब के पॉजिटिव? करेला पॉजिटिव। अंजलि मैं ऑफिस जा रहा हूँ, बाय। तारक मैं आपकी एक नहीं सुनूंगी, मैं आपको जूस पिए बिना नहीं जाने दूंगी। अरे अंजलि ये कोई, चलिए अभी कोई आर्ग्यूमेंट नहीं, फटाफट पी लीजिए। अरे क्या फटाफट पी लो अंजलि, ये कोई ऑरेंज जूस थोड़ी है जो फटाफट पी लिया जाए, ये करेले का और आंवले का जूस, इसे पीने में टाइम लगता है और मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं है। अरे तो बस 2 मिनट लगेंगे तारक, पी लीजिए ना। नहीं मानोगी ना तुम,
किधर की सिटी बजी है? ओह, मुझे लगा रेल का इंजन है। अच्छा, अभी लेट नहीं हो रहा आपको? लेट हो रहा, मैं जाता हूँ। अच्छा, एक मिनट एक मिनट। अब क्या हो गया है? एक सेकंड। कैसे बोल सकते हैं? बाय बाय। हाँ दोस्तों, हमेशा की तरह मेरी सुबह की शुरुआत तो हुई है करेले और सलाद के साथ। हमेशा की तरह देखते हैं मेरा दिन कैसा गुजरता है। वैसे एक बात बताऊं दोस्तों, गोकुलधाम में सुबह की भागदौड़ प्रारंभ हो चुकी है। और देखिए, काम करना बड़ा जरूरी है जिंदगी में, लेकिन आराम करना भी उतना ही जरूरी है। काम कीजिए, आराम कीजिए, काम कीजिए, आराम कीजिए, आराम कीजिए, फिर काम कीजिए। इससे स्वस्थ जिंदगी का बैलेंस बना रहता है। लेकिन आज कहीं मेरा बैलेंस ना बिगड़ जाए, क्योंकि मेरे दो माथे के बॉस ने कल रात ही मुझे फोन करके कह दिया था कि आज सुबह ऑफिस जल्दी पहुंचना है और मैं लेट हो गया हूं। ये जो हम नौकरी पेशा लोग हैं ना, उनकी बड़ी कमाल की दिक्कत है साहब। जिस दिन हम छुट्टी चाहते हैं उस दिन बॉस हमें बुला के छुट्टी की छुट्टी कर देता है, और जिस दिन हम चाहते हैं कि जल्दी पहुंचे यानी जल्दी जाना होता है उस दिन हम लेट हो जाते हैं। कहीं आज मुझसे पहले मेरा बॉस ऑफिस तक पहुंच जाए, अगर वो पहुंच गया तो मेरा ऐसा हाल करेगा, ऐसा हाल करेगा, ऐसा हाल करेगा, हंसते हंसते बेहाल हो जाएंगे। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए हंसते रहिए। कहां है तेरी गाड़ी, छोड़ दे भाई ऑफिस। गड्डी तो सुरिंदर लेके आ रहा है। कौन सुरिंदर? वो सुरिंदर मेरा यार, पर घर से निकल गया है, बस आता ही होगा। तो मैं रुको ना, मैं भी आता हूँ, फिर साथ में चलते हैं। वैसे मैं तो, तुम अब तक घर से निकले तो नहीं ना? अब तक घर पे ही हो ना? हाँ, नहीं निकला। व्हाट? तुम अब तक घर से नहीं निकले? मैं तुम्हारा बॉस हूँ, कब तक घर से निकल चुका हूँ। क्या हुआ मेहता साहब? अरे क्या होना है सोरी, मेरा बॉस ऑफिस पहुँचने के लिए निकल चुका है और मैं अभी तक यहीं खड़ा हूँ। हेलो दोस्तों, आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अपडेट सबसे पहले चाहिए ना? तो चलिए YouTube सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें।